वेलकम बैक दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके घर में। और आप सभी लोगों के पास बाइक तो होगी और मोटरसाइकिल सभी के पास रहती हैं मैक्सिमम लोगों के पास। तो ये वाला वीडियो केवल इसलिए मैंने बना रहा हूं कि आपकी मोटरसाइकिल की लाइफ थोड़ी अच्छी रहे, एवरेज थोड़ा ज़्यादा दें, और आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो हम बात करते हैं मिनरल ऑयल की। सबसे पहले हम ऑयल की कैटेगरी जान लें कि ऑयल की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। तो ऑयल की कैटेगरी के बाद बारे में बात करेंगे तो सबसे अगर लो कैटेगरी में आता है मिनरल ऑयल, जो कि मार्केट में 200 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो सेमी सिंथेटिक ऑयल आता है, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों मिक्स रहता है। और तीसरी कैटेगरी की बात करें तो फुली सिंथेटिक ऑयल रहता है। ये तो तीन कैटेगरी हो गई ऑयल की। अब हम ग्रेड की बात करें तो जीरो से जीरो पर 0W50, 5W50, 20-40 ऐसे ऑयल मार्केट में मिलते हैं। लेकिन हमें कौन सा ऑयल लेना चाहिए इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और आप लोगों के लिए अभी तक मैं वीडियो लेकर आया था डिस एंटीना सेटिंग वगैरह के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन इस वाला वीडियो केवल इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि हम सभी लोगों के पास मोटरसाइकिल बाइक रहती है, लेकिन हम क्या उसकी केयर कम नहीं कर पाते हैं। हम गलत चीज़ इस्तेमाल करने कर लेते हैं, पैसों की वजह से थोड़ी कुछ चीज़ महंगी आती है, हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल यही बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए कि हमें कौन सा ऑयल अपनी बाइक में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे पास तीन कैटेगरी के ऑयल हैं। सबसे पहले कैटेगरी आप देख लीजिए, मेरे पास एक कैस्ट्रोल का डिब्बा है। तो इस कैस्ट्रोल के डिब्बे में क्या है कि ये सबसे सस्ता कैस्ट्रोल का डिब्बा जो कि ऑयल का है, सबसे सस्ता आता है। और इसकी कैटेगरी अगर हम 20W40 है ये, तो ये वाला ऑयल मैंने इस्तेमाल कर चुका हूँ। बहुत पुराना डिब्बा आपको दिख रहा होगा, न्यू नहीं है, इसे मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और फिर सेकंड कैटेगरी ये है, सेकंड वाली कैस्ट्रोल का एक और है जो पावर वन आता है, जो कि सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक। इसमें कुछ लिखा तो नहीं रहता इस डिब्बे पर, तो कस्टमर कंफ्यूज रहता है कि उसको ये वाले ऑयल में क्या खासियत मिल रही है, या सेमी सिंथेटिक है या फुली सिंथेटिक। इसके कहीं भी रैपर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये फुली सिंथेटिक है या सेमी है या मिनरल है। ये पावर वन से आता है, रेसिंग गाड़ियों के लिए इसको यूज करने के लिए कंपनी ने इसको रिकमेंड किया है, लेकिन मैंने इसको भी यूज किया है तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिला इसमें। लेकिन हाँ, ये थोड़ा महंगा आता है, 400 रुपये के आसपास आता है। और मिनरल ऑयल की बात करें तो 200-300 रुपये का, और सेमी सिंथेटिक 300 रुपये से 450 रुपये के बीच में आता है। अगर हम 450 या 500 से अगर ऊपर रेंज में जाते हैं तो हमारे पास एक ऑयल और रखा हुआ है जो कि मोटो का। यहाँ पर आप देखिए, ये 100% सिंथेटिक, यानी कंपनी लिखकर दे रही है आपको। ये कंपनी लिखकर क्यों दे रही है, क्योंकि कस्टमर कोई कन्फ्यूज ना रहे। आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको एक अच्छी चीज़ मिले। अब ये ऑयल की बात रही, अब हम ऑयल की कैटेगरी मिनरल और सिंथेटिक ऑयल में डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले तो मिनरल जो ऑयल होता है वो प्राकृतिक ऑयल होता है। प्राकृतिक कोई भी चीज़ होती है उसकी एक खासियत रहती है कि वो जलने के बाद कार्बन जरूर छोड़ती है, कालापन। आप कोई सी भी चीज़ जला के देखिए, चाहे वो कैसी भी हो, प्राकृतिक हो तो होगी तो वो जलने के बाद एक कालापन जरूर छोड़ती है। तो मिनरल ऑयल में यही खासियत है कि वो जलने के बाद कालापन छोड़ती जरूर है, यानी हमारा इंजन काला होता चलता है और उसमें से कुछ कार्बन रहता है जो कि हमारे इंजन में जमता रहता है। और भविष्य में अगर भविष्य की बात की जाए, कुछ समय बाद हमारी जो बाइक रहती है, चार पाँच साल चलाने के बाद उस बाइक का इंजन जो परफॉर्मेंस है इंजन की, वो ख़त्म हो जाती है। जो जैसे कि हम न्यू बाइक खरीदते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन 5 साल बाद उसी बाइक की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम मिनरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेमी सिंथेटिक ऑयल। अगर हम सेमी सिंथेटिक ऑयल भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी क्या है, वो फुली सिंथेटिक तो है नहीं, तो उसमें भी मिनरल ऑयल मिक्स है। उससे होता क्या है कि उस वो भी कालापन छोड़ता है और कार्बन उसमें रह जाता है अपनी बाइक में, जिससे कि उससे भी इंजन में इफेक्ट रहता है। हाँ, थोड़ा कम इफेक्ट रहता है उससे, लेकिन इफेक्ट तो रहता है। और इंजन की एक खास बात बता दूं कि इंजन हमेशा गर्म होता है, तो गर्म इंजन होने के बाद हमारा जो मिनरल ऑयल है वो एकदम ख़त्म हो जाता है जलने के बाद। हम आपने देखा होगा कि आप लोग जब सर्विस कराते हैं बाइक की,
तो जैसे आज सर्विस करा के लेकर आए तो 4-5 दिन तक अच्छी चलेगी बाइक। और जिस दिन आप अगर टूर पर चले गए, मान लीजिए 50-60 किलोमीटर आपने कंटिन्यू गाड़ी चला दी, और जब आप अगले दिन उस गाड़ी को यूज करोगे तो आप देखोगे कि जो स्मूथली गाड़ी चल रही थी वो नहीं चल रही है। कारण केवल एक ही है कि वो मिनरल ऑयल है। आप लंबे टूर पर जैसे ही गए वो ऑयल खत्म हो चुका है, मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, वो जल चुका है। अब उसमें जो चिकनाहट रहती है, विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ उसकी खत्म हो चुकी है। और अगर हम ग्रेड की बात करें, और अगर हम ग्रेड की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम सिंथेटिक ऑयल के बारे में और जानकारी ले लें। सिंथेटिक ऑयल जो होता है उसमें एक खासी रहती है कि वो भी प्राकृतिक ऑयल से ही बनता है। जैसे कि मिनरल ऑयल एक प्राकृतिक ऑयल से बनता है, सिंथेटिक ऑयल केमिकल के मिश्रण द्वारा बनता है, जिससे कि वो जलने के बाद कोई कार्बन नहीं छोड़ता और हमारी इंजन की जो स्मूथनेस रहती है वो बनी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा हीट में भी। तो हमारा इंजन ज़्यादा एवरेज देता है, हमारी बाइक कंपनी की गारंटी रहती है ऑयल की। सिंथेटिक ऑयल अगर आप डालते हो तो कम से कम 5 किलोमीटर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी, 5 किलोमीटर के लगभग। और उसकी जो स्पीड है, स्पीड पर ही फर्क पड़ता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है बाइक की देखोगे तो उसकी परफॉर्मेंस अलग ही रहेगी, इंजन की आवाज़ नहीं आएगी उसमें, और भी बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसमें कि आपकी एवरेज देगा, और सेकंड नंबर पे आप की फ़ायदा है कि सर्विस बहुत ही कम हो जाएगी आपकी बाइक की। नॉर्मल अगर मिनरल ऑयल की बात करें तो हमें 2000 या 3000 किलोमीटर चलाने के बाद ही हमें सर्विस करना पड़ती है, लेकिन सिंथेटिक ऑयल में ऐसा नहीं है। 7000 से लेकर 10000 किलोमीटर आपकी बाइक चलती है, उसके बाद ही आप सर्विस कराने की सोच सकते हो। और वो ऑयल इतना दमदार रहता है कि आप कितनी भी गर्मी में जाओगे या फिर लो टेम्परेचर में, वो एकदम स्मूथनेस बनाए रखता है। बस आपकी ग्रेड आपने सही सेलेक्ट किया हो, आपके टेम्परेचर के हिसाब से, आपके जो वातावरण है उस हिसाब से आपने सही ग्रेड का ऑयल आपने इंजन में डाला हो। तो हम ग्रेड की बात करें कि आपके एरिया में हमें कौन से ग्रेड का ऑयल डालना चाहिए। जैसे आपका एरिया, अगर आप जम्मू कश्मीर तरफ रहते हो और वहाँ पर बर्फ़ जमती है, तो यहाँ पर ऑयल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ग्रेड लिखी रहती है। देख लीजिए यहाँ पर ग्रेड इसमें लिखी होगी, ये लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखी है 1040, देख लीजिए यहाँ पर 1040 लिखा हुआ है और आगे भी लिखा है 1040। 1040 का मतलब होता है, W का मतलब 10W40 लिखा है, 10 का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर, यानी आप 10 डिग्री पर भी बाइक चलाओगे तो आपकी बाइक अच्छी चलेगी। 10 से ऊपर से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 40 का मतलब होता है 100 सेंटीग्रेड तक आप चलाओगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। कंपनी क्या करती है, आपको रिकमेंड करती है ऑयल 10-30 का। ज़्यादातर हीरो की कंपनियां 10-30 का रिकमेंड करती हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और बहुत ही गर्मी, बहुत ही बर्फ़ ज़्यादा जमती है वहाँ पर, तो जीरो माइनस टेम्परेचर चला जाता है उस जगह पर। तो उस जगह पर होता क्या है कि हमारी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती सुबह के टाइम। और जम्मू कश्मीर की छोड़ो, आप नॉर्मल एरिया, आप मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह, राजस्थान, महाराष्ट्र कहीं भी रह रहे हो, तो भी ऐसा ही एरिया होता है कि जब ठंडों का टाइम आता है, दिसंबर का महीना, तो हम सुबह उठते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं तो बाइक एकदम स्मूथली नहीं चलती है, कुछ समय बाद ही वो स्टार्ट होती है। कारण यही है कि हमारी जो ये 10 लिखा है ना, ये 10, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 10 की जगह और कम का ले लें, 5 का, तो ठंडों में गाड़ी अच्छी चलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो विस्कोसिटी रहती है ऑयल की, जो गाढ़ापन या पतलापन, वो बना रहता है सही। तो जो लोग बर्फीले जगह पर रहते हैं वो हमेशा 0-0.40, 0.30 ऐसे ऑयल यूज करती हैं, जिससे कि क्या है कि 0 डिग्री का टेम्परेचर होगा भी ना तो ऑयल एकदम पतला रहता है, जिससे कि इंजन में तुरंत फैल जाता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में, अभी हम जैसे मैं MP में रहता हूँ, तो यहाँ पर ठंडा हुई गर्मी दोनों मौसम एकदम नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादातर ऐसा कोई विशेष गर्मी ही रहती है, बर्फ़ तो नहीं जमती यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक समस्या रहती है कि हम जब, अगर अभी मैंने जैसे ये वाला ऑयल डलवाया था मैंने 20-50, तो इसमें मुझे एक दिक्कत लगी कि मैं सुबह उठता था ना, मैंने बाइक चलाई कभी भी बाइक, मैं गर्मियों में भी बाइक चलाई मैंने, तो गर्मियों में भी समस्या रही और ठंडों में भी समस्या रही मुझे। तो क्या समस्या रही कि सुबह जब उठता हूँ ना, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ तो लगभग 2-3 किलोमीटर तक मेरी बाइक ऐसी झटका सी टाइप रहती है, मतलब एकदम स्मूथनेस नहीं आती बाइक में। क्यों? क्योंकि वो 20W40 का डलवाया मैंने। 20 का मतलब होता है कि वो गाढ़ा इतना है, उसे पतला होने में टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा कि जब गर्म होगा इंजन तभी वो ऑयल पतला होगा, और अगर हम पहले से ही पतला ऑयल ले लें तो वो ऑयल सही चलेगा। जैसे कि मैंने अब इस बार लिया है 10-40 जे वाला जे मॉडल का ऑयल लिया है, तो ये 10-40 यानी ये और से भी पतला है। जो कंपनी ने 10-30 रिकमेंड किया है, मैंने 10-40 लिया है, ज़्यादा ही लिया है। हमेशा आप अगर कंपनी जो भी रिकमेंड करती है ऑयल,
जैसे मान लीजिए 20-40 कर रही है कोई कंपनी, तो आपको यहाँ पर अगर 40 दिख रहा है तो आप 50 ले सकते हैं ज़्यादा वाला, और यहाँ पर 20 है तो यहाँ से आप कम ले सकते हैं। आप इसको ना बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको घटा सकते हैं। आप समझिए लॉजिक की बात। कंपनी ने जो ऑयल रिकमेंड किया है उस ऑयल के हिसाब से आपको ये शुरू वाला जो नंबर है ना उससे कम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। और आखिरी वाला जो नंबर है उससे आप कम नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। कभी भी ऑयल हमेशा ऐसे ही खरीदें मार्केट से, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना कर सकें। और सिंथेटिक ऑयल की मैं विशेषता बता ही चुका हूँ। और ये ऑयल मैंने जैसे अब यहाँ पर अगर ऑयल की बात करें हम रेट की, तो यहाँ पर देखिए फुली सिंथेटिक है 820 रुपये इसमें MRP है, जबकि मुझे 700 रुपये के आसपास मिला है, अमेजोन से मैंने लिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद सकते हैं मोटल का ऑयल ये वाला, या आप ग्रेड दूसरी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आपके वातावरण के ऊपर है कि आप किस वातावरण में रहते हैं और किस हिसाब से आपको ऑयल यूज करना है, फुली सिंथेटिक करना है या नॉर्मली करना है, मिनरल या सेमी सिंथेटिक, ये आपकी मर्जी है। सर्विस फुली सिंथेटिक यूज करने से आपकी गाड़ी बाइक सर्विस नहीं मांगती, एवरेज ज़्यादा देती है, और भी बहुत सारे फायदा मिलते हैं। लॉन्ग टाइम में देखें तो आपके इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसमें आपकी जो अंदर से जो आयरन या लोहे के पार्ट्स रहते हैं, गरारियाँ वगैरह, वो घिसती नहीं है, वो स्मूथली चलती रहती हैं। और ये बहुत अच्छा ऑयल है, हमेशा रेसिंग गाड़ियों में यही वाला ऑयल लगता है। रेसिंग गाड़ियों में अगर हम बात करें रेसिंग गाड़ियों में, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जे नंबर जो रहता है ना 40 जे 50 वाला यूज करते हैं, यहाँ पर 10 की जगह वो 0 यूज करते हैं। ऐसा क्यों यूज करते हैं वो 10 या 5 5 5 या 0 यूज करते हैं? कारण ये है कि रेसिंग गाड़ियों में क्या करना पड़ता है उनको, जैसे ही स्टार्ट की उन्होंने और तुरंत भगाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा वाला ऑयल यूज करते हैं 20-40 वाला, तो हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं ना बाइक को, तो वो कुछ देर तक लैग करेगी, मतलब रुकेगी, झटका टाइप की लेगी आपको बाइक, तभी वो आगे चल के जब ऑयल गर्म हो पाएगा तब वो हमारी बाइक स्मूथली चल पाएगी। तो ऐसा रेसिंग गाड़ियों में ऐसे करने की करेंगे तो वो रेस कैसे जीत पाएंगे, आप लॉजिक सीधा सीधा लगा सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, ये पतला ऑयल लेते हैं और इधर गर्मी ज़्यादा झेलने के लिए ज़्यादा नंबर लेते हैं। याद रखें ये वाला नंबर अगर कम होगा आपका तो आपका ऑयल पतला रहेगा, और ये वाला नंबर ज़्यादा रहेगा तो आपका ऑयल गाढ़ा मतलब गर्मी झेल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में वो अच्छा वर्क करेगा। तो और गाढ़ा और पतला ऑयल कंपनी क्यों रिकमेंड करती है, एक वाला क्वेश्चन भी बनता है, तो इसके बारे में ही बता देता हूँ कि बहुत सी कंपनियाँ जैसे कि हीरो की कंपनी है 10-30 रिकमेंड करती हैं ऑयल, अगर आप यूजर मैनुअल में देखेंगे तो 10-30 है, और अगर हम बजाज की बात करें तो 20-40 या 20-50 ऑयल उसमें यूज होता है। तो कारण केवल एक ही है, स्कूटर में हम 10-30 यूज करते हैं। तो ऐसी बाइक क्यों बनती हैं कि अलग अलग कैटेगरी का ऑयल यूज करते हैं, अलग अलग कैटेगरी का ऑयल यूज करने का मतलब केवल एक ही है कि जब वो गाड़ी का जो बनती है, बनाते समय इंजीनियर वगैरह जो रहते हैं वो उस गाड़ी में अंदर जो पार्ट्स लगाते हैं, जैसे कि पतला ऑयल कोई कम, जैसे हीरो कंपनी जो रहती है वो हमेशा 10-30 का ऑयल यूज कराने की बोलती है। क्यों? क्योंकि वो पतला ऑयल है 10 तक, 10 कैटेगरी यानी पतला, स्टार्ट करते ही साथ वो पतला ऑयल है और वो तुरंत इंजन में राउंड कर लेगा, ऑयल पूरे में घूम जाएगा। घूमने का मतलब ये मिल जाएगा अच्छी तरीके से, जिससे कि इंजन के सारे पार्ट्सों में वो चिपक जाए और अपने जो हुनर है उसका, जो ऑयल का जो काम रहता है वो काम अपने ढंग से भरपूर तरीके से कर सके। तो इसी तरह से अगर बजाज की बात करें तो बजाज में 20-40 होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके छोटे पार्ट्स रहते हैं हीरो के, और बजाज के पार्ट्स थोड़े बड़े रहते हैं, तो उस जगह पर ऑयल गाढ़ा यूज करते हैं वो, और हीरो वाली कंपनी जो रहती है वो पतला यूज करती है। कारण क्यों है? क्योंकि उसके पार्ट्सों में अगर वो गाढ़ा ऑयल डाल देंगे तो हमारा इंजन ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाढ़ा ऑयल हमेशा छोटी छोटी जगह पर घुस नहीं सकता, उसको घुसाने के लिए पतला ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, पतले ऑयल की, तो वो इसलिए 10-30 का ऑयल यूज करते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जो लोग नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।